हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संचिता शर्मा स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास फोर्थ. ओके, एंड टुडे आई विल जस्ट रीड अ पोएम फॉर यू. एवरीडे थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू द पोएम एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द पोएम, लर्न इट बाय हार्ट एंड देन यू विल गेट योर नोटबुक वर्क इन द PDF फॉर्म ओनली. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, एवरीडे थिंग्स पोएम एंड द पोएट इज जीन अयर. Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. It means whether the person is a president or a millionaire or a billionaire, whatever, so easy, even kings, okay, they can't live without everyday things. They also need everyday things what we use, whether it is calm, whether this thing of eating, whether it is a dress up, whatever is so. Okay, so this poem, ye poem yahi bata raha hai ki chahe wo koi millionaire ho ya president ho, jo daily use ka सामान होता है, जो एवरीडे थिंग्स जो होता है, जो जिसे हम डेली यूज में लाते हैं, वो उनके पास भी वही है और हमारे पास भी वही है. ठीक है, इट्स नॉट, इट इज़ जस्ट कंपेयरिंग वन. ये थोड़ा कंपेयर, अगर आप कंपैरिजन में लेते हो तो आप ये कंपैरिजन के ये ले सकते हो एग्जांपल में. लेकिन अगर आप कंपेयर करने बैठो तो क्या होता है कि डेली यूज का सामान वो भी वही यूज करते हैं जो आप यूज कर रहे हो, या जो आप यूज कर रहे हो वो भी यूज कर रहे हैं. Isn't it? तो ये आगे का अगर जब हम मैं पोएम आपको पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा. ओके, इफ यू विश टू बी क्लीन एंड यू वुड, आई होप यू वुड टेक अ बाथ विद वाटर एंड सोप. अगर आपको अपने आप को साफ रखना है, क्लीन रखना है, तो आप बात करोगे. यू विल टेक बाथ विथ वॉट, वाटर एंड सोप. सेम अगर मिलियनियर हो या प्रेसिडेंट हो, उनको भी क्या चाहिए, दे ऑल्सो नीड वाटर एंड सोप ओनली. इजंट इट, दे वॉन्ट बाथ विद समथिंग एल्स, दे ऑल्सो नीड वाटर एंड सोप. सेम, हाँ सोप डिफरेंट हो सकता है, इजंट इट. इफ यू आर टेकिंग बाथ विद लाइफ बॉय, दे आर टेकिंग विद सिंथॉल, दैट इज डिफरेंट केस. बट दे ऑल्सो नीड सोप एंड यू ऑल्सो नीड सोप. नेक्स्ट, एंड यू वुड हैव टू ईट इफ यू वॉन्टेड टू ईट ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट. ओके, आपको जो खाना हो आप भी खा सकते हो, वो है कि नहीं. ब्रेड एंड वेजिटेबल्स वो भी खाते हैं, यू ऑल्सो टेक. फिश एंड मीट वो भी खाते हैं, यू कैन ऑल्सो. दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस, दैट आर डिफरेंट थिंग. सॉरी, दोज हु आर वेजिटेरियंस, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट दोज हु ईट फिश एंड मीट, इट्स फॉर देम. ओके, व्हाइल यू ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्रोबेबली बी मिल्क और चॉकलेट, कॉफ़ी और टी. प्रोबेबली जब कोई ब्रेकफास्ट लेता है और कुछ अगर उसमें अगर वो हमें कुछ अगर पीने का चीज़ अगर वो यूज़ कर रहा है, सपोज समथिंग यू ड्रिंक वाइल ब्रेकफास्ट, अगर ब्रेकफास्ट के टाइम पे कुछ अगर पी रहा है तो वो क्या पिएगा, दूध पिएगा या चॉकलेट शेक, और यू कैन टेक कॉफ़ी और यू कैन टेक टी. इजंट इट, तो दे ऑल्सो टेक द सेम थिंग व्हाट इट इज मेंशन्ड हियर. नेक्स्ट वी हैव, यू वुड हैव टू वेयर, यू कुड हार्डली रिफ्यूज, अंडर क्लोथ्स, आउटर क्लोथ्स, स्टॉकिंग्स एंड शूज. ओके, नाउ सी वट दे वेयर, अंडर क्लोथ्स, अंडर गार्मेंट्स, आउटर क्लोथ्स, इजंट इट, जो आप ऊपर पहनते हो. देन स्टॉकिंग, स्टॉकिंग इज अ सॉक्स, यू नो, स्टॉकिंग्स आर सॉक्स विच इज पुल ओवर टाइप का सॉक्स होता है, दैट इज वेरी थिन, दैट इज नोन एज स्टॉकिंग्स. एंड शूज, इट इज टाइप ऑफ सॉक्स, ओके, लॉन्ग सॉक्स. इफ यू वॉन्टेड टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट, यू वुड टेक अ पेंसिल आउट ऑफ योर कोट. है ना, अगर कुछ आपको रिमाइंडिंग नोट, अगर कुछ आपको लिखना है, कुछ याद आ गया, तो जाहिर सी बात है आप भी अपने कोट से या अपने शर्ट के पॉकेट से एक पेंसिल या पेन निकालोगे. इजंट इट, एंड यू कुडंट साइन अ लेटर आई थिंक विथ एनीथिंग बेटर देन पेन एंड इंक. है ना, अगर आपको किसी लेटर पे अगर साइन करना है, अगर किसी चीज़ पे आप साइन करते हो, या कुछ अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वैसा अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, सो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू नीड पेन एंड इंक. इट इजंट इट, तो आप क्या लोगे, पेन और इंक से ही लिखोगे. दे ऑल्सो राइट विद दैट ओनली. ओके, इफ यू वॉन्टेड टू रीड, यू वुड बी श्योर टू लुक एट न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक. अगर आपको, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको कुछ पढ़ने का मन है, तो जाहिर सी बात है कि आप न्यूज़पेपर, मैगजीन या बुक लोगे. सेम, दे ऑल्सो डोंट रीड एनी अदर, यू नो, दे डोंट गेट समथिंग स्पेशल टू रीड, दे ऑल्सो रीड द सेम थिंग. नेक्स्ट, एंड इफ इट हैपेंड दैट यू वेर इल, यू वुड डाउन सम ऑयल और चोक ऑन अ पिल. इजंट इट, अगर आपकी तबीयत खराब है तो जाहिर सी बात है कि आप भी डाउन हो जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, आप भी ऑयल लेके अपने हेड मसाज करोगे या फिर कुछ दवाइयाँ लोगे. इजंट इट, सो सेम इट इज, सेम इज फॉर देम ऑल्सो.
If you had a cold, I can only suppose you would use a handkerchief for your nose. अब अगर आपको कोल्ड हो रखा है, ठीक है, अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, अपनी नोज क्लीन करने के लिए यू विल यूज हैंडकरचीफ, टॉल, एनीथिंग, राइट? सो दे आल्सो यूज द सेम हैंडकरचीफ और टॉल. Next we have, when you wanted to rest your weary head, like other folks, you would hop into bed. जाहिर सी बात है, अगर आप भी बहुत थक जाओगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, आपका हेड एक है, या अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है, you will also hop into bed. You know, you also need rest for if you want to take rest, where you will go? Into your bed only, isn't it? Last we have. Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. Millionaires हो या presidents हो या फिर king हो, they also can't live without everyday things. So whatever we use, they also use the same. Okay? So this was the poem comparison between the normal person and a king or presidents or whatever you can imagine. Okay? So you have to just revise the poem once. You have to read the poem, and then there is no note. There is no book work in this. Okay, in this poem, you only have this notebook work. So that I have made a PDF and I have sent in this website. You will find it there. Just go to the website and download the link from there, and then copy your things in your fair notebook. Okay, thank you. Take care.